साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी करने वाले अब सभी छात्रों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इससे संबंधित कुछ मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अब सभी जानते हैं कि आप सभी लोग एकदम परेशान हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि यार ये एग्जाम री एग्जाम कब होगा, नहीं होगा। अब क्या है कि मई का लास्ट चल रहा है, 4 जून को इन आम चुनावों का रिजल्ट आना है और उसके बाद में मतलब जो प्राथमिकता होगी ट्विटर कैंपेन इत्यादि के द्वारा हर तरीके से, वो आपके एग्जाम को री एग्जाम को जल्द से जल्द कराने की तरफ बढ़ने की होगी। पूरी हम लोग प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी तक समय से बात पहुंचे जिससे कि री एग्जाम की डेट आपकी समय से आ जाए। ऐसा ना हो कि पहले की तरह 10 से 15 दिन। अभी भी मेरे मन में कई बार खटका होता है क्योंकि जैसे भर्ती बोर्ड की आदत रही है जल्दी ही बहुत ही कम समय देकर बताने की, तो अभी जून के एंड में भी पूरा एक महीना बकाया है या फिर जुलाई की शुरुआत में 11-12 तारीख जो बन रही है, इनमें साथी एग्जाम होने की अभी भी भरपूर पूरी संभावना है। अब इसके बाद जाता है तो ये समझिए कि उसमें कितना नुकसान है, क्या कि कब फिर रिजल्ट आएगा, कब दौड़ भाग होगी, कब फाइनल मेरिट और कब ये बच्चे ट्रेनिंग पर जाएंगे। और सब एक साथ 60,244 को ट्रेनिंग पे नहीं भेज सकते क्योंकि ट्रेनिंग की कैपेसिटी नहीं उतनी, तो 2 या 3 शिफ्ट में जाएंगे। तो क्या किसी को ट्रेनिंग का मौका 2026 में मिलेगा? तो आप सभी लोग ये दिमाग लगाना और फिर आपको समझ में आएगा कि री एग्जाम अब जितनी जल्दी हो जाए उतना ही आपका बेहतर है, क्योंकि आपको नौकरी भी करनी है या जो आपके 5 साल तो ऐसे बर्बाद हो गए, अब 3 साल ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में आपको बर्बाद करनी है। तो मैं आपको कोशिश रहे कि अगर इन डेट्स में कहीं पर हो जाता है इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तैयारी बहुत बढ़िया से आपकी हो चुकी है, जो बची खुची है या जिसकी नहीं हुई है वो भी इस समय अगर लग जाए तो अपना प्रयास कर सकता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जैसे जब से री एग्जाम का ये डेट्स का नहीं हो रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मोटिवेशन सर डाउन होता जा रहा है और समझ में नहीं आ रही कब कितना कौन से समय देकर क्या पढ़े। तो आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न आएंगे, जानते हैं हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मेरिट कितने में से लगेगी 300 में से, टाइम कितना होगा 120 मिनट और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.5 नंबर, मतलब 0.50 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा यदि आप गलत करोगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब आप 150 प्रश्न देखोगे तो 150 प्रश्न में आपको मिलेगा कि 75 प्रश्न जो है वो जीके प्लस हिंदी के हैं। किसके? 75 जीके प्लस हिंदी के, 38 जीके के, 37 हिंदी के, और जो 75 क्वेश्चन है वो रीजनिंग प्लस गणित के हैं। रीजनिंग किसके हैं? रीजनिंग प्लस मैथ्स के। रीजनिंग को 3 भागों में बांट रखा, एक अभिरुचि वाली और 2 साथी प्रॉपर रीजनिंग जो होती है, ठीक है, और मैथ्स को भी एक तो नंबर वाली रीजनिंग जो एक संख्या वाला होता है और एक साथी रीजनिंग, समझे मेरी बात। अब एक चीज सोचो, 150 प्रश्न है और ऑफलाइन ओएमआर आधारित पेपर होगा तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए नहीं चाहिए गोले भरने के लिए? भाई 20 से 25 मिनट तो गोले भरने के लिए चाहिए, और ये भी कौन भरेगा? जिसकी स्पीड अच्छी होगी। 20 से 25 मिनट भी किसको लगेंगे? जिसकी स्पीड अच्छी है, मतलब जिसकी स्पीड अच्छी है, समझो मेरी बात, जिसकी स्पीड अच्छी है। अब कैसे, अगर आप मान लेता हूं 150 में से और आप अपने बेस्ट 130 क्वेश्चन करते हैं, बेस्ट 130 प्रश्न अटेंड करते हैं कि भाई मैं पूरे के पूरे 150 नहीं कर रहा, हालांकि 150 है तो आप तो 150 भी कर सकते हैं। अब 25 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60, तो आपको एक्चुअल में 1500 सेकंड मिले। कितने सेकंड मिले? 25 मिनट में 1500 सेकंड मिले। अब 1500 सेकंड में आपको अगर कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको साथ ही 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप 150 से डिवाइड कर दो, एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिली। कितनी सेकंड मिली? 10 सेकंड। एक गोला भरने के लिए आपको क्या मिला? 10 सेकंड मिली। और यदि आप इसको 130 से डिवाइड करते हो कि भाई मैं तो 130 ही करूंगा, तो आपको लगभग 11-12 सेकंड मिली। अब आप जानते हो 11-12 सेकंड में छोटा सा गोला भरना, तो इतना तो कम से कम समय लगा। 5 मिनट आपको देखने के लिए भी चाहिए कि भाई सब कुछ कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पेपर करने के लिए 90 मिनट बची। पेपर करने के लिए क्या बची? 90 मिनट बची।
अब पेपर करने के लिए 90 मिनट बची। इस 90 मिनट में आप सोचो आपको 130 प्रश्न करने, तो ये जो जीके और हिंदी है इससे आपको अपना टाइम बनाना है और गोले भरने की लगातार प्रैक्टिस कि जो जीके हिंदी के 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 75 में से कम मैं 65 से 70 क्वेश्चन, जिसमें आप 35 के करीब हिंदी में और लगभग 34 से 35 ही आप कह सकते हो जीके में, जिस तरीके की जीके का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, समझे। अगर तुम एग्जामपुर के प्रॉपर छात्र हो, करंट अफेयर की सुबह की 6 बजे क्लास हरालत में ले रहे हो, तो हम इस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसको करने के लिए आपने कितने मिनट लिए, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। इन क्वेश्चनों को करने के लिए कितने मिनट लिए, 20 मिनट, क्योंकि पढ़ना और उत्तर टिक करना है, क्योंकि गोले तो बाद में भरने, गोले हमेशा बाद में भरो। और जो फिर जितना समय इसमें बचा, फिर मान लो कि आपने गणित के जो 20 के करीब क्वेश्चन आते हैं इसको 20 मिनट दे दिए, तो कितने हो गए, 40। फिर आप आराम से रीजनिंग को 50 मिनट दे सकते हो, आराम से 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। यह है सबसे अच्छा तरीका कि 65 से 70 हिंदी रो इसमें, और 65 के करीब क्वेश्चन किसमें हो गए, ये आपके 60 से 65 रीजनिंग और मैथ्स में मिलाकर, तो ये टोटल 130 के आसपास बने। 130 मतलब 260 प्लस, मतलब 250 पार, यही हमारा टारगेट है। अब ये जो टाइम मैनेज है, ये केवल ये जो आप अभी मैं आपको पूरा प्रबंधन बता रहा हूं, ये एक योजना हो गई, ये थी योजना कि भाई मेरी ये योजना रहेगी, अब इस योजना को आपको इंप्लीमेंट करना है, इस योजना को मेरे भाई लागू करना है। लागू करने के लिए आपको सबसे अच्छा होता है मॉडल पेपर लगाने, बिल्कुल पेपर जैसे, बिल्कुल पेपर जैसे, उसी माहौल में 2 घंटे का टाइम लगाकर। और ऐसा नहीं कि हर दिन एक मॉडल पेपर लगाना है, आपको एक हफ्ते में एक, वीक में एक मॉडल पेपर। और ये जो योजना आपने बनाई, इसी योजना को लागू करो कि भाई 20 मिनट में कोशिश करूंगा हिंदी और जीके, चाहे कितने हो, ना हो 65 70, 40 45 50 तो होंगे, लेकिन 20 मिनट से ऊपर समय नहीं दूंगा। घड़ी बिल्कुल इस तरह का, क्योंकि वहां पर घड़ी अलाउ नहीं होती, तो इस बार हालांकि हम ट्विटर कैंपेन में घड़ी की बात करेंगे, लेकिन वहां पर पेपर में घड़ी अलाउ नहीं होती, तो कैसे टाइम पता चलेगा कि मुझे 20 मिनट लगी है। ये मॉडल पेपर ही बताएंगे, जब तुम 10 12 15 20 मॉडल पेपर लगाओगे तो एक आदत नहीं हो जाती कि कभी कभी तुम रोजाना 2-3 महीने 4 बजे सुबह उठो, तो अगर अलार्म नहीं भी बजा तो भी तुम्हारी आंखें 4 बजे खुल जाएंगी, आदत बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी कि भाई मैं एक क्वेश्चन पढ़ने में 3 सेकंड लग रहा हूं, तो लगभग मैथ और रीजनिंग के ये 75 क्वेश्चन पढ़ने में मुझे 15 से 20 मिनट, सॉल्व करके 20 मिनट लगी। तो ये आदत बनानी, आदत हैबिट, समझते हो, हैबिट अच्छी आदत। और तुम समझ रहे हो पता नहीं क्यों होते हैं मॉडल पेपर, समझ में आ रही है क्यों होते हैं, आदत बनाने के लिए, जो योजना बनाई है उसे लागू करने के लिए, कि फिर अगले 20 मिनट में मैथ और अगले 50 मिनट में रीजनिंग की, जब 30 मिनट बचे पेपर में तब गोले भरने शुरू करूं, और गोले की प्रैक्टिस ऐसी हो लास्ट में गोले भरने क्वेश्चन के साथ नहीं, बहुत समय खर्च होता उसमें, कि भाई मैं अपने 130 क्वेश्चंस के गोले 20-22 मिनट में भर पाऊं, और फिर 10 मिनट में देख लूं कि 2-4 क्वेश्चन और कर सकता हूं नहीं कर सकता, यह है मैनेज। फिर जब तुम मॉडल पेपर करोगे तो तुम्हें ऐसे टॉपिक या तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट भी पता चलेंगे कि जो कम तैयार है या जो बिल्कुल तैयार नहीं है, जो कम तैयार है इनका रिवीजन करो थ्योरी से, इनको तैयार करो थ्योरी से, जिससे कि अगला मॉडल पेपर लगाओ तो ये टॉपिक आपके गलत ना हो, एनालिसिस करके। ये होता है मॉडल पेपर का फायदा, इसको अपने जीवन में डालो। महाक्रांति Volume 1 तब लॉन्च किया था, Volume 2 अभी लॉन्च किया है, और अभी आपके लिए इस टाइम मैनेजमेंट और ये जो प्रत्येक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी दिक्कत है, इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए एक महाभारत की चीज लेकर आ रहा हूं। मतलब इस बार सीधा खत्म ही कर दूंगा सिस्टम को, और ये आप कहोगे कि जो Volume 1 Volume 2 और जब मैं कोई मैराथन लेता हूं तब जो खुश होते हो, उससे सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें इस इवेंट से होगी। लगभग फ्री में जो लोग आएंगे, आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो आपके घर पर भी पहुंचेगी और आपको बहुत फायदा, मतलब हर चीज खत्म है फिर उसके आगे। तो ये कब है साथी, 2 जून को क्या करना है,
आप जो इवेंट देख रहे हैं, जो भी इसमें लाइव आना चाहें, जो भी इसका फायदा उठाना चाहें, कि आप भैया में सबसे पहले, तो सबसे पहले हाजिरी लगाना यहां इस इवेंट के लिंक पर क्लिक करके, इसे साथी लाइक करके जरूर जाना, यहां पर लाइक कर देना। और ये नोटिफिकेशन मैंने तो ऑन कर रखा है, अब जब पहली बार जाओगे तो आपको मिलेगा नोटिफाई मी, आप इस पर दबा देना, इसका मतलब नोटिफिकेशन ऑन हो गया। ये 2 जून मेरी हिंदी की क्लास के बाद में रात 8:50 पर, ये सब लोग इसको लाइक करके जरूर जाना। इसके लिए लिंक मैंने सीधा लगवा दिया है। ये जो योजना आपको बताई है, इस योजना को कि वो कौन कौन से टॉपिक, कौन से विषय वीक हैं, और ये जो 130 हो सकता है तुम इसका टारगेट लेकर 150 की तरफ बढ़ने लगो, इस तरीके की ये इवेंट है महाभारत। इसमें एकदम ऐसे सोच लो कि मेरे पास जो कुछ था गुरु के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर, मैं सबसे ज्यादा इसीलिए इस पर प्रयत्न कर रहा हूं। 60,244 वैकेंसी है, आप सभी भाई बहन भी पिछले कई सालों से इसके लिए, तो मैंने अपना सर्वस्व इसी पर, तुम्हारा रिजल्ट लाना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैंने अपनी पर्सनल सारी खुशियां, सारे अपने कार्य हटा दिए जब तक तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। मुझे मायूस मत करना, मैं कोई चीज अगर अपना सब कुछ घाटा नफा कैसे भी करके लाता हूं उसको सपोर्ट करना, यह तुम्हारे रिजल्ट को कहां लेकर जाएगी तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आएगा। तुम सोचोगे क्या कितना बढ़िया भैया की बात मानी थी, मॉडल पेपर का फायदा हुआ नहीं हुआ, वो चीज जो तुम्हारे नंबर बढ़ाए, जो टाइम मैनेजमेंट कम मदद करे, और अब जो आपकी सारी समस्याओं की जड़ें, चाहे मानसिक अभिरुचि हो, चाहे आपके जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, कोई भी टॉपिक, जैसा सिलेबस दे रखा है या प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, कुछ भी, तो यहां पर साथी सब लोग कमेंट करके वादा करो कि लाइक करके जरूर जाओगे। जो सबसे पहले अटेंडेंस लगाएगा उसके लिए सबसे ज्यादा आशीर्वाद है, सबसे बेस्ट विशेष, तो इसको लाइक कर जाना। बाकी जैसा बताया है, जो योजना मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है, इस योजना को इंप्लीमेंट किया करो, ऐसे आप मॉडल पेपर लगाओ। और 2 तारीख मैंने इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि अगर जून के एंड या जुलाई के स्टार्ट में भी हो जाए तो भी वो योजना बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। एकदम फाइनल ऐसे पेपर को इस बार झंडा बुलंद करके आओगे, लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, अभी 9 बजे जीके की क्लास है, उसमें चले जाना। ये पहल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कुछ और मुझसे स्पेशल चाहते हो, क्लास से संबंधित कुछ जो मैं महाभारत में ऐड करूं, तो सब लोग ऑफलाइन कमेंट करना, तुम्हारे से भी बात को सुनकर मैं महाभारत में ऐड कर दूंगा। लेकिन आप सभी लोग इस इवेंट को लाइक करके जरूर जाना, तुरंत यहीं से जो लिंक लगा हुआ है कमेंट्स में सीधे जाकर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।